नमस्कार एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। शहर में चरमराई यातायात व्यवस्था फिर से लौटी पटरी पर। जिला प्रशासन के साथ हुई सकारात्मक बैठक के बाद सभी वाहन चालकों ने खत्म की हड़ताल। यात्री तथा अभिभावकों ने ली राहत की सांस। परेशानी और एमजीएम अस्पताल का है अटूट नाता। अब लग रहा है बच्चा बदल दिए जाने का गंभीर आरोप। नवजात बच्चे की मौत के बाद प्रसूता का दावा मृत बच्चा नहीं है उसका, क्योंकि उसने दिया था सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म। जमशेदपुर स्थित घागेडी केंद्रीय कारा की सुरक्षा तथा व्यवस्थाओं में किए जाने वाले परिवर्तन को लेकर जिला पुलिस कप्तान ने जिला मुख्यालय में की एक अहम बैठक। प्रशासन के सभी मापदंडों को मानते हुए रजामंदी के साथ स्कूली वैन चालकों ने ऑटो चालकों से अलग होकर पहले ही खत्म कर दिया था हड़ताल। 11 बच्चों को बैठाने पर बनी सहमति। अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर में जिला प्रशासन की पहल पर सकारात्मक बैठक के बाद सभी वाहन चालकों की हड़ताल खत्म हो गई है, जिससे यात्रियों एवं अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। पिछले 3 दिनों से शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संचालक संघ के आह्वान पर मिनी बस एसोसिएशन और स्कूली वाहन चालक संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा के बाद शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई थी, जिस कारण यात्रियों एवं अभिभावकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए जिले के उपायुक्त अमित कुमार के द्वारा सभी संगठन के लोगों के साथ वार्ता कर हड़ताल को समाप्त करने का निर्देश दिया गया, जिसे देखते हुए हड़ताली सभी वाहन संघ के नेताओं ने हड़ताल को समाप्त करने की घोषणा की। वहीं संदर्भ में उपायुक्त से बात करने के बाद शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संघ चालक के अध्यक्ष के संरक्षक बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमारी मांगों पर जिले के उपायुक्त अमित कुमार एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक अनुप वरथरे ने सकारात्मक पहल करते हुए नई मांगों को अविलंब दूर करने का निर्णय लिया है। कुछ मांगे राज्य सरकार से अनुशंसा करने का आश्वासन दिया गया है, जिसे देखते हुए हम लोगों के द्वारा आहूत अनिश्चितकालीन हड़ताल को खत्म किया जा रहा है, जिससे वाहन परिचालन फिर से शुरू होगा और लोगों को राहत मिलेगी। हमारी जो प्रमुख मांग थी कि जमशेदपुर में शिविर का आयोजन करके टेम्पू चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया जाए, उस पर DC साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए DTO साहब को आदेश कर दिया कि कल से शिविर बड़ा तौर पे लगाइए और पुराने बस स्टैंड में शिविर लगाइए और सारे टेम्पू चालक को ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने की औपचारिकताएं पूरी करिए और साथ ही साथ DC साहब के माध्यम से रेड क्रॉस के अधिकारियों को भी उन्होंने आदेश दिया है कि जो टेम्पू वाले ब्लड ग्रुप और उनका जो फिटनेस जो जाँच होगी बॉडी का, उसके लिए डॉक्टर को भी ऑथराइज कर दिया है। DC साहब ने कहा है कि हम कमिश्नर साहब से आग्रह करके यहाँ परमिट का भी शिविर आपको लगवाएंगे। कोई रणनीति नहीं है आगे की, सिर्फ रणनीति है कि टेम्पू अच्छे से चले, नियम से चले और टेम्पू के साथ जो एक समन्वय गड़बड़ाया था वो समन्वय प्रशासन और टेम्पू चालकों का समन्वय स्थापित हुआ है, वो समन्वय फूले फले और जमशेदपुर की जनता की सेवा मजबूती से हो। कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल MGM है। वैसे इस अस्पताल के कारनामे ने महात्मा गांधी के नाम को ही धूमिल कर रख दिया है। इस बार इस अस्पताल पर जो आरोप लगा है वो काफी गंभीर आरोप है। आपको बता दें कि एक मां ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और बच्चे के जन्म के बाद परिवार के लोग काफी खुश हुए, लेकिन कुछ ही घंटे बाद परिवार के लोगों को ये सूचना मिली कि बच्चे की मौत हो गई है। उधर बच्चे की मौत की खबर मिलते ही ईचागढ़ की रहने वाली शिवम देवी और उनके परिवार के लोग आग बबूला हो गए और अस्पताल पर बच्चा बदलने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया। उधर महिला शिवम देवी ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया था, जबकि एक ही समय 2 बच्चे का जन्म MGM अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में हुआ था और यही कारण है कि शिवम देवी बच्चा बदलने जाने का आरोप लगाते हुए अपने पूरे परिवार को आग बीती सुनाई। उधर शिवम देवी के परिजनों का कहना है कि बच्चे के गले पर एक तिल था, जिस बच्चे की मौत हुई है
उसके पास ऐसा कोई निशान नहीं है, इसलिए बच्चा बदल दिया गया है। उधर हंगामा होते देख पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन अपने आप को बेकसूर बताते हुए मामले की जांच का आश्वासन दिया है। डिलीवरी के लिए ईशागढ़ से रेफर होके आया था, मेरे यहाँ भर्ती हुआ। रात में उस बच्चे को उसके माता पिता ने भी देखा था, अपने गोद में लिया था। और उस दौरान बच्चा चूँकि 7 ही महीने में डिलीवर हो गया, काफ़ी सीरियस बच्चा था, 1400 ग्राम का, तो उसको फिर निकू में भर्ती कराया गया और आज उसकी मौत हो गई। स्थिति ऐसी है कि जैसे उसका पिता का कहना है कि हमने मार तो देखा था, लेकिन जब बच्चा जैसे ही डिलीवरी होता है उस समय हम लोग झाड़ पोछ करके पोछ पाछ करके बच्चा दे देते हैं उसके माता पिता की गोद में। देखते हैं बच्चों आप लोग भी जांच किए, कुछ पता चला? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विलेज ने बोला कि दोनों बच्चे जमशेदपुर में स्थित घागीडी केंद्रीय कारा की सुरक्षा तथा व्यवस्थाओं में किए जाने वाले परिवर्तन को लेकर जिला पुलिस कप्तान ने जिला मुख्यालय सभागार में जेल के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें जेल के सुरक्षा से संबंधित कई दिशा निर्देश पुलिस कप्तान ने दिए। बातचीत के क्रम में जिला पुलिस कप्तान ने कहा कि जेल के अंदर और बाहर की सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक में चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि जेल के भीतर सुरक्षा के जो इंतजाम है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सके इस पर चर्चा हुई है। साथ ही जेल में करीब 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उनके भी सही उपयोग पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जेल के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी सूरत में जेल के भीतर मोबाइल का उपयोग न हो सके, इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही जेल में जो मोबाइल जैमर लगा हुआ है वो 2G का है और उसको 4G तक अपग्रेड करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। संबंधित समीक्षा बैठक रखी गई थी, उसमें हम लोगों ने जेल के अंदर में और बाहर में जो भी सुरक्षा के इंतजाम है उनके बारे में डिटेल बातचीत की। जेल के अंदर में करीब 150 सीसीटीवी कैमरे नए लगाए गए हैं, उनके संबंध में चर्चा की गई। जेल के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार से मोबाइल सिम इत्यादि का प्रवेश जेल में ना हो सके। जेल के अंदर जो कैदी हैं वो नियमता रहें, जो भी अंदर में लोग बंद हैं उनको कोई भी गलत गतिविधि वो लोग ना कर पाएँ। और इसके अलावा जेल के जो बाहर की सुरक्षा है उसके बारे में विचार किया गया। कुछ बंदियों को अगर प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र करना है जिनका आचरण ठीक नहीं है या जो जेल में गलत कार्य करते हैं उनके बारे में भी निर्देश दिया गया। और इसके अलावा जैमर वहाँ का बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो 2G जैमर है, उसको 3G या 4G जैमर बनाने के लिए भी जो है पत्र लिखा गया है, उसकी भी कार्रवाई की गई है। तो जेल की सुरक्षा से संबंधित ये मीटिंग थी और इसमें हम लोगों ने मुख्य जोर इसी बात पर दिया, जेल की सुरक्षा पर, और जो अपराधकर्मी जो जेल में बंद है वो मोबाइल बिल्कुल यूज ना कर पाए, इस पर ज्यादा जोर दिया गया। जमशेदपुर के स्कूली वैन चालकों ने ऑटो चालकों से अलग हटकर बुधवार को ही पहले ही अपना हड़ताल समाप्त कर दिया। इन्होंने बुधवार को ही इसकी घोषणा कर दी। जिले के उपायुक्त के आदेश के तहत इनके द्वारा सभी नियमों का पालन कर वाहन का संचालन किया जाएगा। जिले के उपायुक्त के आदेश के तहत अब इनके द्वारा स्कूल वैन में 11 बच्चों को बैठाया जाएगा, साथ ही सभी नियमों का पालन किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इनके द्वारा जिले के उपायुक्त से ये मांग की गई थी कि दूसरे राज्यों के तर्ज पर स्कूली वाहन चालकों को थोड़ी रियायत दी जाए, जिस पर भी विचार करने का आश्वासन जिले के उपायुक्त ने दिया है और इसके बाद इनके द्वारा हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। प्रक्रिया आई थी जिसमें प्राइवेट मारुति वैन और प्राइवेट गाड़ियों को स्कूल के तहत लिया गया है, जिसमें रोड टैक्स परमिट वगैरह भी रियायत दी गई है। उसके आधार पे हमने झारखंड सरकार और उपायुक्त महोदय से मांग की थी। साथ ही बच्चों के सिटिंग की व्यवस्था जो वहाँ है और जगह पे, उसके आधार पे यहाँ भी सिटिंग व्यवस्था में सुधार के लिए उनसे आग्रह किया था, जिसको उन्होंने सुनते हुए 11 बच्चे और एक वाहक चालक कि हम लोग 11+1 बच्चे लेके जा सकते हैं। जी हाँ, हड़ताल खत्म हो गई है। डीसी साहब से मिलने के बाद आश्वासन मिला है कि जो पेपर हमने दिया था और राज्यों का,
उसके विषय में सरकार से बात करेंगे और हमें इसकी अगली सूचना मिलेगी। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार, सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। के बाद हम फिर हाजिर हैं। झारखंड और बिहार के सिख समुदाय के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से सिखों के गुरु गुरु नानक देव जी के कर्मस्थली जाने के लिए पाकिस्तान से रास्ता खोले जाने की मांग की है। और इस मांग को लेकर झारखंड एवं बिहार के सिख समुदाय की ओर से तख्त श्री हरि मंदिर साहिब प्रबंधन कमेटी पटना के नवनिर्वाचित सदस्य सरदार इंद्रजीत सिंह ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित श्री गुरु नानक देव जी की कर्मस्थली श्री करतारपुर साहिब के खुले दर्शन, दीदार एवं स्नान के लिए गलियारा दिलाने का आग्रह किया गया है। आपको बता दें कि गुरु नानक देव जी अपने 4 धार्मिक यात्राओं के बाद सन 1521 ईस्वी में करतारपुर में बस गए। 1539 ईस्वी में वो ज्योति में विलीन हो गए, अर्थात पर्दा कर गए। वहां मुस्लिम भाइयों ने मजार बना रखी है तो हिंदू एवं सिख समुदाय ने अंगीठा बना रखा है। वहीं सभी समुदाय के लोग गुरु नानक देव जी के इस कर्मस्थली को समान रूप से जीते हैं। वैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे का प्रतीक भी है ये स्थल। यात्रा वर्ष 2019 में शुरू होगा और गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार से विनती है कि वो पाकिस्तान की सरकार से द्विपक्षीय वार्ता कर भारत पंजाब के डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान के करतारपुर साहिब के बीच तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी में सिख समुदाय को गलियारा प्रदान करे, जिससे निर्बाध रूप से करतारपुर साहिब का दर्शन वे कर सके। विदेशों में मनाया जा रहा है,
और उस समय करतारपुर जिन्हों जहां वो गुरु नानक देव जी की कर्म स्थली है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ में सटा हुआ एरिया है पाकिस्तान का, उस रास्ते को खोलने के लिए हमने पाकिस्तान सरकार से ये मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को उपायुक्त महोदय के द्वारा ये एक पत्र देने जा रहे हैं कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ सटा हुआ जो एरिया है करतारपुर, उस रास्ते को गलियारा जो है उसको खोला जाए और वहाँ सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों से आने वाले लोग भी उस स्थान पर जाकर गुरु नानक देव जी के पर्व में शामिल हों और गुरु नानक देव जी के जो संदेश और उपदेश दिए हुए हैं उन पर चलने की जरूरत है और उनके संदेश प्राप्त करके सुख शांति के मार्ग पर चलें। हम लोग विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी को, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी को ये मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि ये बातचीत करके ये करतारपुर जो है पाकिस्तान में वो बॉर्डर का रास्ता खोला जाए और जो कि सभी धर्मों के लोग इस रास्ते से पाकिस्तान जाकर गुरु नानक देव जी के पर्व में शामिल हो सकें। जमशेदपुर में पिछले दो दिनों से ऑटो चालकों के द्वारा किए गए हड़ताल से हुई परेशानी के खिलाफ पीस पार्टी के द्वारा जिले के उपायुक्त से ऑटो चालकों की कमेटियों को भंग कर नई कमेटी बनाए जाने की मांग की गई है, जिससे कभी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सके। इन्होंने कहा कि ऑटो चालकों के तथा कथित चालक संघ के हिटलर शाही रवैये के कारण जनता को परेशानी हुई है। इन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का कार्य किया गया जिस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि इन तमाम कमेटियों को निरस्त कर नई कार्यकारिणी संघ का गठन किया जाए, जिसके प्रत्येक थाना स्तर पर दो जनप्रतिनिधि, दो ऑटो चालक तथा एक सरकारी पदाधिकारी का चयन किया जाए, जिससे इस तरह के अचानक फरमान पर रोक लगाई जा सके। कि टेम्पो चालक संघ के जो हिटलर शाही नेता हैं, वो हिटलर शाही फरमान सादिर करके पूरे 8 लाख जनता को जो परेशान किए हैं, उसका भी उचित रास्ता निकाला जाए और ऐसी कमेटी को जल्द से जल्द भंग कर दिया जाए और जो दूसरी कमेटी बनाई जाए उसमें हर थाना क्षेत्र के दो दो पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को और एक सरकारी कर्मचारी को और दो टेम्पो चालक को होना अनिवार्य रखे, जिससे भविष्य में कभी इस तरह का फैसला लेना हो तो इन सारी प्रतिनिधियों से मिल करके ही फैसला लिया जाए। वहाँ पर डिक्टेटरशिप का, किसी एक आदमी का जो प्रभाव है वो कमेटी पे नहीं होना चाहिए, जिससे यहाँ की जनता परेशान ना हो भविष्य में, इसकी हम लोग आवेदन देने आए हैं। जमशेदपुर से सटे कपाली थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी है। बीती रात चोरों ने एक बंद पड़े घर को अपना निशाना बनाया और लाखों के सामानों पर हाथ साफ कर लिया। बताया जा रहा है कि गृह स्वामी किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे, इसी बीच मौका देखकर चोरों ने घर का ताला तोड़ अंदर रखे लाखों के सामान अपने साथ ले गए। इधर मामले की सूचना पाकर कपाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इधर चोरी की सूचना मिलते ही गृह स्वामी भी भागे भागे अपने घर पहुंचे और घर की स्थिति देख सभी के होश उड़ गए। वहीं परिवार के सदस्यों की अगर माने तो करीब 6 से 7 लाख के सामानों पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। हालांकि अभी आकलन जारी है, वहीं संबंध में पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अभी देख करके बड़ा बाबू उठने में आया, अभी बड़ा बाबू के साथ में अंदर गए हैं, चेक कर रहे क्या है नहीं है। घर बंद था, कलकत्ता गए। अभी तो वही देखे की अलमारी 2 ठो टूटा हुआ है हमारा और पलंग उलंग मेरा पूरा, ये LCD मेरा गायब है, बड़ा वाला LCD है मेरा, नया CD, मेरा भाई का शादी हुआ अभी 2-3 महीना पहले, इसमें LCD मिला, LCD नहीं है ठीक तो अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी अभी देखने के बाद पता चलेगा कि कितना का अमाउंट का क्या गया है नहीं गया है सब। अभी नया लेडीज का सामान मिला, नया नया बर्तन वगैरह मिला। जमशेदपुर के माइकल जॉन सभागार में झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर नगर समिति का 7वां सम्मेलन बुधवार को संपन्न हुआ, जिसमें पार्टी के तमाम नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ विधायक चंपई सोरेन शामिल थे। इस दौरान तमाम नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के मद्देनजर पार्टी हित में कार्य करने की बातें कही। पार्टी का जनाधार कैसे बढ़ सके इस पर चर्चा यहां किया गया। मौके पर जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के नेता व कार्यकर्ता शामिल थे। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक चंपई सोरेन ने कहा कि वे पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं। पार्टी के लोग कैसे चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके इस पर उन्होंने सभी को टिप्स दिए और सशक्त पार्टी के रूप में पार्टी चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, इसके लिए वे प्रयासरत हैं। हमारा संगठन में हमने सुझाव दिया पार्टी का हित में आप लोग अपना कमेटी बनाना, आज जो भी हमारा इस कमेटी
का पदाधिकारी पद जो हमारा साथीगण रहेगा पार्टी का हित में जमशेदपुर लोहर नगर में अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास करे। यहाँ का जनता का भावना, यहाँ का मजदूर का भावना को लेके आप लोग आगे बढ़ते रहिए, यही हमने आपसे वचन दिया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रवि की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी, जल्दी करो। आई बाबा, आई। पापा। बेटा। ठीक से रहना। हाँ, बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। के बाद हम फिर हाजिर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में औषधीय पौधे लगाकर उनको अनोखी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जमशेदपुर में स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान की ओर से शहर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की याद में औषधीय पौधे लगवाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री आवास के पास एक सरकारी स्कूल में पौधा लगाकर किया गया, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को स्कूली छात्र छात्राओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री के पुत्र ललित दास और संस्था के लोगों ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद वहां अटल जी के नाम पर पौधे लगाए गए। उन पौधों में अटल जी की यादों को बरकरार रखने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की फोटो भी लगाई गई। इन पौधों की देखरेख का जिम्मा स्कूली छात्र छात्राओं को सौंपा गया है, जिससे स्कूली छात्र छात्राएं पौधों की सेवा के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को याद कर पाएंगे और उनकी राहों पर चलकर उनके जैसा राज्य और देश का नाम भी रोशन कर पाएंगे। आज हम लोग सभी ने भारत रत्न पूज्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शोषण में शामिल हुए हम लोग तथा श्रद्धांजलि ने हम लोग अर्पित किया और साथ ही साथ उनकी यादों में आज हम लोगों ने खासकर छोटे बच्चे के साथ पौधारोपण भी किया और साथ ही साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों प्रार्थना भी की। अब मैं आग्रह करूंगा आप जमशेदपुर वासियों से जो अटल जी की राह पर चलें, उनका आदर्श पर चलें।
जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज की छात्राओं को आत्मरक्षा के हुनर को सिखाने के उद्देश्य से क्रीड़ा भारती की तरफ से सक्षम महिला निर्भय महिला नामक कार्यशाला का आयोजन कॉलेज प्रांगण में किया गया, जिसमें छात्राओं को आत्मरक्षा के कुर बताए गए। इस दौरान प्रशिक्षकों ने कार्यशाला में मौजूद छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया। क्रीड़ा भारती से जुड़कर इसके लिए प्रशिक्षण लेने की बातें भी कही गई। बता दें कि क्रीड़ा भारती खेल जगत में पूरे देश में अपने निशुल्क सेवा देती है और इनके द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु इस कार्यशाला की शुरुआत की गई है। आयोजकों के अनुसार आज के दिन में जिस प्रकार महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, ऐसे में जरूरत है कि महिलाएं खुद इतने सक्षम रहे कि वे अपनी आत्मरक्षा खुद ही कर सके। इस तरह के कार्यशाला के माध्यम से कॉलेज की छात्राओं को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि वे प्रशिक्षण लेकर आत्मरक्षा खुद ही कर सके। आया था, उनका जन्मदिन है, उनके उपलक्ष्य में हम क्रीड़ा भारती का एक आयाम सक्षम महिला निर्भय महिला के तहत यह कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें महिलाओं को विशेषकर वो प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस हो, वो अपने आत्मरक्षा खुद कर सकें। आज के इस पॉल्यूशन भरे समाज में इस तरह की घटनाएँ, छोटी छोटी घटनाएँ घटती रहती हैं, उसे अपने को बचाने के लिए प्रयास करें और अपने को बचाएं, इसी के तहत यह कार्यक्रम किया जा रहा है। सक्षम महिला और निर्भय महिला एक ऐसा आयाम है क्रीड़ा भारती का, जिसमें महिलाओं को तरह तरह से ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने आप में सक्षम बनाया जा रहा है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1,00,000 रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल ना दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर, विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार, होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव, सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास, हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास, राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांवों की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें, 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वीं वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। आगामी 9 सितंबर को ट्रेड यूनियन से जुड़े तमाम मजदूर संगठनों के द्वारा जमशेदपुर के सभी ठेका मजदूरों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसके माध्यम से सरकारी नीतियों का विरोध इनके द्वारा किया जाएगा। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई।
बैठक के दौरान एटक के जिला सचिव ने कहा कि वर्तमान समय में कई बड़ी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को केंद्र सरकार निजी हाथों में देने जा रही है, जिससे मजदूरों का शोषण बढ़ेगा। वहीं झारखंड में पिछले दिनों ये तय किया गया था कि जिस कंपनी में 50 मजदूर से नीचे की संख्या में मजदूर हैं, वो श्रम कानून के अंतर्गत नहीं होंगे और उनकी समस्याओं को श्रम कानून के तहत नहीं सुलझाया जा सकता। इन सभी विषयों को लेकर ट्रेड यूनियन से जुड़े सभी पार्टी एक मंच पर आकर इसका विरोध करेंगे। मजदूर सम्मेलन के माध्यम से मजदूरों के हक और अधिकार के लिए उन्हें जागरूक किया जाएगा और आगे इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा। बेचने में एक नंबर में मेकॉन का नाम आया है, HEC का नाम आया है, इस तरह से और भी संयंत्र है जो देश को मुनाफा की ओर ले जाता है, उसको प्राइवेट सेक्टर में बदलने की तैयारी ये मोदी सरकार के द्वारा है। झारखंड सरकार में 50 मजदूर से कम जहाँ रहेगा वहाँ श्रम कानून लागू नहीं होगा, ये लेकर के भी हम लोग बैठे हैं और इसी को लेकर के 9 सितंबर को हमारा जमशेदपुर में पूरे मजदूरों के पूरे ठेका मजदूरों का सम्मेलन होगा। इस सेमिनार में हम लोग तय करेंगे कि आगे का हमारा रणनीति क्या होगा और बैठ करके पूरे देश में एक साथ मजदूर अबरी जो आंदोलन की तैयारी है कि जमशेदपुर के तमाम कंपनी के गेटों में किस किस दिन हम लोग को मीटिंग करना है, पोस्टर निकालना है, प्रचार गाड़ी निकलेगा, बैनर बटेगा, पर्चा बटेगा, ये तमाम चीज़ों को आज हम लोग तय करके और इसको फाइनलाइज करके और पूरे आम मजदूरों के बीच जाएंगे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित मोहन आहूजा स्टेडियम में 49वें मोहन मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा किया गया। बता दें ये टूर्नामेंट 5 दिनों तक चलेगा, जिसका उद्घाटन जिले के उपायुक्त अमित कुमार के द्वारा किया गया। 5 दिवसीय आयोजित इस टूर्नामेंट में राज्य स्तरीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। राज्य के विभिन्न जिलों से 315 खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया। वहीं उद्घाटन सत्र में पहुंचे जिले के उपायुक्त अमित कुमार ने कहा कि राज्य में ऐसे अनेक खिलाड़ी हैं जिन्हें एक मंच की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिला समेत राज्य के अन्य जिलों में ऐसे अनेक खिलाड़ी हैं जो कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सक्षम हैं। उन्होंने उपस्थित खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। आपको बता दें इस टूर्नामेंट में विजेता खिलाड़ी अगले माह होने वाले राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन्हीं खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में इंडिया को जो है रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसी तरह के टूर्नामेंट के आयोजन से निकलता है। मुझे यह पूरा विश्वास है कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से निश्चित रूप से खेल प्रतिभाएं निखर करके सामने आती हैं और उनको एक बेहतर मंच मिलता है ताकि अपने क्षमता का प्रदर्शन वो कर सके। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।